सेकेंड लॉ पर अब हम आते हैं, विच इज कॉल्ड द वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्ट में केवीएल बोल देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अगेन सबसे पहले हम स्टेटमेंट बताते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में हमें क्लोज्ड लूप अगर कंसिडर करें, ठीक है, सर्किट का कोई भी एक क्लोज्ड पाथ हम कंसिडर करें, देन ऑन दैट लूप द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कॉम्पोनेंट्स विल बी जीरो। इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ एनी सर्किट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कॉम्पोनेंट्स विल बी जीरो। इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ एनी सर्किट the sum of potential differences across all the components in that loop, जो उस लूप में आ रहे हो, जीरो। इन अ क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन दैट लूप इज जीरो। सारे कॉम्पोनेंट्स पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम हमें जीरो मिलेगा। Now, ये जो लॉ है इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे अप्लाई किया जाता है उसको देखें। एक सर्किट में कई सारे कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के कई सारे कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। देर कैन बी ए बैटरी, देर कैन बी रेजिस्टर्स, देर कैन बी कैपेसिटर्स, ठीक है, आगे और हम जो पढ़ते हैं, फिर इंडक्टर्स हो सकते हैं, डायोड्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, देर कैन बी एन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। हम कुछ भी एक रैंडम सर्किट कंसिडर करें, सपोज इस तरह का हम एक सर्किट कंसिडर करें, सब रैंडम सर्किट। अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, अभी हम बस इसे समझ रहे हैं कि कैसे ये अप्लाई किया जाता है। देयर इज अ बैटरी विथ सम ईएमएफ ई, फिर रेजिस्टर है R1, R2, देयर इज अ कैपेसिटर,
अलग अलग चीजें इस तरह से हमने कनेक्ट कर दी एक सर्किट में। अब ये जो हम लॉ बोल रहे हैं इसके एक एक बात को हम एनालाइज करें। इन अ क्लोज लूप ऑफ एनी सर्किट, क्लोज लूप कौन से होंगे? एक क्लोज लूप ये हो सकता है जिसमें बैटरी R1 और R2 आ रहे हैं। एक क्लोज लूप ये हो सकता है जिसमें R2 और C आ रहे हैं। एक क्लोज लूप ये हो सकता है जिसमें बैटरी R1 और C आ रहा है। सो देयर आर थ्री लूप्स पॉसिबल इन दिस सर्किट। कोई सा भी लूप हम ले सकते हैं, उस पर हम KVL लगा सकते हैं। हम किसी भी लूप पर KVL लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू KVL, KVL क्या कह रहा है कि हम किसी भी लूप पर अगर चलना शुरू करें तो उस लूप में जो भी कंपोनेंट्स आते जाएंगे उनका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ विद अ साइन। मतलब अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, पोटेंशियल अगर राइज होता है देन इट इज रिटन एज पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उसे हम नेगेटिव लिखते हैं। इफ द पोटेंशियल राइजेस वाइल मूविंग ऑन द कॉम्पोनेंट देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल राइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हम लूप पर चलना शुरू करें। नाउ अगेन, लूप पर चलने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम ऐसे चलें लूप पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या हम एंटी क्लॉकवाइज चलें। हम कैसे भी चलें, हम ऐसे भी चल सकते हैं और हम ऐसे भी चल सकते हैं, हमारी मर्जी। अगेन इट इज आवर चॉइस। अगेन द लॉ इज डिजाइंड सच दैट इट विल ऑलवेज गिव द सेम आंसर। लॉ अगेन इस तरह से डिजाइंड है कि वो हमें सेम ही आंसर देगा। किसी भी लूप पर हम चलना शुरू करें, कोई सा भी लूप हम सिलेक्ट कर लें, उस पर जो भी हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलते जाते हैं, उन्हें लिखते जाएं। अगर हमें चलते हुए पोटेंशियल राइज मिलता है तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखें, अगर हमें चलते हुए पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखें। एंड फाइनली द लॉ इज कंक्लूडिंग दैट अगर हम इस तरह से सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाएं तो हमें जो उनका सम है किसी एक लूप पर वो जीरो मिलेगा। अगर मैं यहां से चलूं इस लूप पर चलते हुए वापस यहीं आ जाऊं तो मुझे जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो जीरो मिलेगा। अगर मैं इस लूप पे चलना शुरू करूं वापस यहीं आ जाऊं तो भी मुझे सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस विद साइन वो जीरो मिलेगा। Now again, there is a very simple principle behind this law that electric forces are conservative. Work done in moving charge on a closed loop is zero. हम recall करें, work को हम इस तरह से लिख सकते हैं, electric work को हम Q delta V लिख सकते हैं। Now, this work is independent of the path. ये वर्क जो होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, हम कहीं से भी लेके वापस वहीं आ जाए। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड। सेकेंडली, अगर हम यहीं से चलते हुए वापस यहीं आ गए तो पोटेंशियल हमें वापस वही मिल गया। देयरफॉर ऑन अ क्लोज लूप, ठीक है, ये कंक्लूजन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देते हैं दैट ऑन अ क्लोज लूप वर्क डन इज जीरो। एंड देयरफॉर डेल्टा वी इज जीरो, देयरफॉर डेल्टा वी इज जीरो, मतलब हमें पोटेंशियल सेम मिल जाएगा।
हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम लिख रहे हैं क्या है, ये डेल्टा वी है, सारे डेल्टा वी का सम हम लिखते जा रहे हैं, यहां से यहां लाए कुछ डेल्टा वी, फिर यहां से यहां लाए कुछ डेल्टा वी, फिर यहां लाए कुछ डेल्टा वी, अल्टीमेटली वापस वहीं आ गए, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी जीरो। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज सिंपली energy conservation, we can say energy conservation. The principle behind KVL is energy conservation. Or we can say the conservative nature of electric field, electric forces. Fine. Now there are some rules which we should remember to write this sign of potential difference. In fact, हम उन्हें rule बोले, चाहे हमें कुछ important points to remember बोल दे while writing the sign of this potential difference. इस potential difference का sign हम कैसे लिखेंगे? वो हम electrostatics के concept से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से, पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है उस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं, या हम सिंपली कुछ रूल्स यहां बता दें जिनके बेसिस पर हम हमेशा ये साइन लिखेंगे। ठीक है, हम ये रूल्स याद रखें तो बेटर रहता है। हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के बजाय हम ये रूल्स याद रखें। नाउ If a resistor comes in the loop, अगर loop में चलते हुए हमें एक resistor मिलता है, then the rule is if the direction of current is same as the direction of moving on the loop, if we are moving in the direction of current, then the potential drops and therefore the sign will be negative. इसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और हमने कहा है अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो हम साइन नेगेटिव लेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप्स, देयरफॉर साइन इज नेगेटिव। Therefore, the sign taken for potential difference is negative. अगर हम इस direction में move कर रहे हैं loop पर और current की direction कुछ इस तरह से same, इसकी value R है, तो इस पर जो हम potential drop लिखेंगे वो होगा IR by Ohm's law। उसके साथ जो हम साइन लिखेंगे दैट विल बी माइनस आई आर। हम उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे माइनस आई आर। इसी के उल्टा, इसी का ऑपोजिट दूसरा केस हो जाएगा। इफ वी मूव ऑपोजिट, if we move in opposite direction of current, agar current idhar hai aur hum idhar move kar rahe, then hum plus IR likhenge, to fir hum plus IR likhenge in direction opposite to current.
in the direction opposite to current, potential rises. Because हम अगर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल राइज करता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है. देयरफॉर पॉजिटिव साइन, हम यहां पर प्लस आई आर लिखेंगे. ठीक है, ये रेजिस्टर का केस हो जाता है. सेकेंड केस हम बताते हैं बैटरी का. अगर लूप पर चलते हुए हमें एक बैटरी मिलती है तो हम क्या करेंगे? फिर से दो केसेस हो सकते हैं. लूप पर चलते हुए अगर बैटरी हमारे सामने आती है तो या तो हम माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे होंगे, या फिर हम प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे होंगे. दो केसेस बन सकते हैं. ठीक है, एक ऐसा माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, दूसरा ऐसा हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं. वी आर फ्रॉम माइनस टू प्लस और वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस. दो केसेस हो सकते हैं. अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज करता है एंड देयरफॉर द साइन विल बी पॉजिटिव. ठीक है, फ्रॉम माइनस टू प्लस प्लस एप्सिलॉन लेंगे हम, जितना भी ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है. फ्रॉम प्लस टू माइनस हम जा रहे हैं, यहां पर हम लिख लें सिंस पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल ड्रॉप्स, देयरफॉर माइनस ई. ठीक है, माइंड इट, बैटरी के लिए ये साइन लिखते वक्त हमें करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. वाइल राइटिंग दिस साइन, ये साइन लिखते वक्त हमें करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन द बैटरी. अंटिल अनलेस देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय वाइल अप्लाइंग केवीएल हमें करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है, नो नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस फॉर अ बैटरी इफ देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस. थर्ड केस हम लेते हैं कैपेसिटर का. ऑल्दो कैपेसिटर को सेपरेटली डील करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट अ बैटरी इज एक्चुअली नथिंग बट अ कैपेसिटर विच ऑलवेज इज मेंटेन्ड एट अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयरफॉर द रूल फॉर कैपेसिटर विल बी सेम एज बैटरी. एक बैटरी जो है वो और कुछ नहीं है, एक कैपेसिटर है जिसमें कॉन्स्टेंटली चार्ज सप्लाई होता रहता है बाय केमिकल रिएक्शंस एंड द प्लेट्स आर द टर्मिनल्स आर मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. तो इसीलिए कैपेसिटर के लिए कोई खास डिफरेंस नहीं होगा. अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पर जा रहे हैं, तो ये वाला केस होगा. अगर हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पर जा रहे हैं
तो ये वाला केस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस वी माइनस वी, ठीक है। बैटरी और कैपेसिटर के लिए रूल सेम होगा, बिकॉज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड से हम सोचें, ये माइनस प्लेट है ये प्लस प्लेट है, तो फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस, फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम प्लस टू माइनस, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल राइज। ठीक है, और डिवाइसेस कंपोनेंट्स जैसे जैसे फिर हमारे सामने आते जाएंगे, हम उनसे रिलेटेड रूल्स देखते जाएंगे, समझते जाएंगे आगे चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हमारे लिए ये सफिशिएंट है, बिकॉज हमें यही तीन चीजें दिखेंगी, रेजिस्टर बैटरी एंड कैपेसिटर। फाइनली नाउ इन दोनों लॉज को क्या बोल रहे हो? अगेन अगेन फॉर कैपेसिटर एज वेल द सेम रूल विल बी अप्लाइड एज वी सेट फॉर करंट। जैसा हमने केसीएल में बताया वही रूल कैपेसिटर पर भी अप्लाई किया जाएगा। अगर हमें नहीं पता है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, दैट मीन्स इट्स वेरिएबल, हमें नहीं पता है। अगेन अज्यूम कर लो कुछ भी, ठीक है, अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम करेंगे? हमारे सामने तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, ये हम जानते हैं। कैपेसिटर कभी भी सर्किट पे कनेक्टेड होगा तो आमने सामने वाली प्लेट पर तो प्लस माइनस होगा, इतना हम जानते हैं, ठीक है। इस पर अगर माइनस क्यू है तो इस पर प्लस क्यू है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम मान लें कुछ भी, हम किसी भी प्लेट को प्लस किसी भी प्लेट को माइनस मान लें। नाउ अगर क्यू की वैल्यू, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमने सही माना था, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने इसको प्लस गलत बताया था, ये नेगेटिव होगी ये माइनस होगी, वो अपने आप ही हो गया। देखो अगर प्लस क्यू माइनस में आ गया तो ये माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्यू प्लस हो गया। अगेन द सेम थिंग, हम कुछ भी मान ले, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड हमें सेम ही मिलेगा, द मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम, ठीक है। हम देखते हैं, देखो हम सबसे सिंपल सबसे बेसिक केस लेकर इन बात को समझते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ठीक है, मैं सबसे सिंपल सर्किट लेता हूं, दो एक रेजिस्टर कनेक्टेड है एक बैटरी से, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एक बैटरी से, द सिंपलेस्ट ऑफ सर्किट्स ले लिए मैंने। इसमें हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, हम जानते हैं इन केसेस में क्या होता है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है इस केस में क्या होगा। हमने इसमें कंडक्शन का फिनोमेना समझा रखा है, हमने कैपेसिटर की चार्जिंग समझ रखी है, हम जानते हैं इनमें क्या होने वाला है, कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। हम एक काम करते हैं, हम जानबूझकर उल्टा मानते हैं, हम जानबूझकर उल्टा मानते हैं, हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैं मान लेता हूं कि ऐसी होगी, ठीक है, आर रेजिस्टेंस
मैं मान लेता हूं करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसमें हम जानते हैं ये प्लस होगा ये माइनस होगा, मैं मान लेता हूं कि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू होगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी, हम केवीएल लगाए, वी शुड अप्लाई केवीएल नाउ, केसीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई जंक्शन ऐसा नहीं बन रहा है जिसपे जिस पर दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट कनेक्टेड हो, केवीएल लगाए सीधे सीधे, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो, कोई सा भी पॉइंट लेकर स्टार्ट कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और मैं डिसाइड करता हूं मुझे क्लॉकवाइज चलना है, सेम इन दिस केस, यहां से चलना शुरू करता हूं क्लॉकवाइज जाता हूं, चलते हैं यहां से चले कनेक्टिंग वायर पर, कुछ नहीं, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो आई आर पॉजिटिव आई आर, आगे चले कुछ नहीं आया, बैटरी आई, बैटरी के माइनस से प्लस पर मैं आया, बैटरी के माइनस से प्लस पर मैं आया, प्लस ई इक्वल जीरो, देखो अपने आप करंट की वैल्यू आ गई माइनस एप्सिलॉन बाय आर, विच शोज दैट द डायरेक्शन टेकन बाय अस इज रॉन्ग, जो हमने डायरेक्शन ली थी वो गलत है, द करेक्ट डायरेक्शन इज, सही डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी, द मैग्नीट्यूड विल एनी वे विल बी एप्सिलॉन बाय आर, मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी तरह से एप्सिलॉन बाय आर ही आएगा, डायरेक्शन अपने आप ये लॉज सही करके हमें दे देंगे, ठीक है। नाउ अगेन ये तो हमने एक बहुत सिंपल केस लिया है, मैं फिर से कह रहा हूं हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अगर हम गलत मान भी लें अपने आप लॉ हमें सही डायरेक्शन दे देगा, मैग्नीट्यूड हमें सेम ही मिलेगा, इन एनी केस हमें सेम ही मिलेगा। सेम चीज हम यहां करें, यहां से चलना शुरू करता हूं मैं क्लॉकवाइज, माइनस से प्लस गया तो पोटेंशियल का राइज, प्लस क्यू बाय सी, बैटरी आई, प्लस एप्सिलॉन ऑन, एप्सिलॉन नॉट जीरो, चार्ज की वैल्यू माइनस इनटू सी, माइनस एप्सिलॉन सी, जो मैं बता रहा है कि हमने चार्जेस का साइन गलत लिया है, इधर प्लस इधर माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये अपने आप सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी मान लो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी मान लो, कुछ भी से मतलब है प्रॉपरली, मतलब अगर हम यहां माइनस तो यहां प्लस तो लिखना ही पड़ेगा, ये बात तो करनी ही पड़ेगी हमें, हम इस पर भी प्लस नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा, पर कैपेसिटर है तो एक पर माइनस एक पर प्लस ये तो मानना पड़ेगा, पर डायरेक्शन कुछ ही मान लो, प्लस माइनस कैसा भी ले लो, लॉज अपने आप सही करके दे देंगे आंसर को, ठीक है भाई। हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक पहले हम सिंपल ही सर्किट लेते हैं, सपोज इस तरह से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्किट उसमें दो बैटरीज लगी है, दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम्स का रेजिस्टर, 10 ओम्स का रेजिस्टर, हमसे पूछा गया है
व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? What is the current in the circuit? और एक और पार्ट हमें यहां पूछा जा रहा है, विल द करंट चेंज, विल द वैल्यू ऑफ करंट चेंज इफ द बैट इफ द पोलैरिटी ऑफ आइदर बैटरी इज रिवर्स्ड, विल द वैल्यू ऑफ करंट चेंज if polarity of either battery is changed, if yes then what will be the new value? Will it change if polarity of either battery is reversed? If yes, then what will be the new value? If yes, then what will be the new value?